टीबी एक हवा से फैलने वाला संक्रामक रोग है जो आपको गंभीर रूप से बीमार कर सकता है। टीबी के रोगी के खांसने या छींकने से ये संक्रमण हवा के जरिए आसानी से फैल सकता है। सही कदम लेने से आपके परिवार के सदस्यों को टीबी से बचाया जा सकता है। टीबी से पीड़ित रोगी अक्सर इन लक्षणों का अनुभव करते हैं: खांसी, बुखार, रात को पसीना आना, अकारण वजन घटना एवं बच्चों का वजन ना बढ़ना, भूख नहीं लगना। अगर आपको टीबी के कोई भी लक्षण हैं, तो कृपया तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और अपना टेस्ट कराएं। जब आपके परिवार में किसी को टीबी रोग होता है, इसका मतलब ये है कि आपके पूरे परिवार को टीबी होने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि टीबी के रोगी के खांसने या छींकने पर टीबी के बैक्टीरिया हवा में फैल जाते हैं। जब ये टीबी बैक्टीरिया परिवार के सदस्य सांस के द्वारा अंदर लेते हैं, तो तीन संभावनाएं हो सकती है। पहली, या तो उनकी मजबूत इम्यून सिस्टम टीबी बैक्टीरिया को मार गिराएगा। दूसरी, टीबी बैक्टीरिया उनके इम्यून सिस्टम पर हावी होकर उन्हें बीमार कर देगा। इसे एक्टिव टीबी कहते हैं और इस रोगी के साथ घर पर रहने वाले सदस्य अब संभवत ही टीबी संक्रमण की जकड़ में आ चुके हैं। लेकिन कुछ मामलों में तीसरी संभावना भी हो सकती है। टीबी के बैक्टीरिया बॉडी में जाते हैं एवं मजबूत इम्यून सिस्टम के कारण शरीर में ही सो जाते हैं। इसे सोया हुआ टीबी या टीबी संक्रमण कहते हैं। ये आपको बीमार नहीं करता है, इसका कोई संकेत या लक्षण नहीं है। ये हवा के जरिए किसी और को नहीं फैल सकता। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि टीबी संक्रमण या सोया हुआ टीबी आपको या आपके आसपास के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन आने वाले दिनों में जब भी आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होगा, ये बैक्टीरिया सक्रिय हो सकता है और आपको बहुत ज्यादा बीमार कर सकता है। इसलिए जैसे टीबी रोगी की देखभाल करना जरूरी है, वैसे ही उसके संपर्क में रहने वाले अन्य परिवार के सदस्यों के लिए जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलना और टीबी संक्रमण की जांच करवाना भी उतना ही जरूरी है। चाहे वे बीमार ना हो, फिर भी जरूरी है। सोए हुए टीबी की जांच हेल्थ चेकअप के माध्यम से की जा सकती है। डॉक्टर इनमें से कोई भी एक या सभी जांच करा सकते हैं। टीबी रोगी के सभी परिवार के सदस्यों के लिए छाती का एक्सरे, खून की जांच या टीबी स्किन टेस्ट। एक एक्सरे ये बताएगा कि परिवार के किसी सदस्य को फेफड़े की टीबी के लक्षण तो नहीं है, और अगर हैं, तो इससे जल्द से जल्द उनका इलाज शुरू करने में मदद मिलेगी। दो, बाकी के परिवार के सदस्य जिन्हें टीबी रोग नहीं है, उन्हें एक निवारक ट्रीटमेंट दी जाएगी जो उनके अंदर सोए हुए टीबी को खत्म कर देगी। तीन, इससे ये सुनिश्चित होगा कि आपका परिवार टीबी संक्रमण को जानलेवा टीबी रोग में बदलने से पहले ही हरा देगा। टीबी संक्रमण का इलाज 6 महीने तक चल सकता है और कुछ मामलों में इससे अस्थायी परेशानी भी हो सकती है। अगर दवा लेने वाले किसी व्यक्ति को थोड़ी सी भी परेशानी महसूस होती है, तो उन्हें अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि इस अस्थायी परेशानी पर नियंत्रण पाना बहुत आसान है। याद रखें, टीबी रोग से बचने का सबसे अच्छा तरीका है: ए, टीबी रोगी के परिवार के सभी सदस्यों की जल्द से जल्द जांच करवाना; बी, डॉक्टर के कहने पर टीबी संक्रमण की दवा शुरू करना; सी, समय पर दवा लेना और पूरा ट्रीटमेंट कोर्स कंप्लीट करना। पूरे परिवार के लिए टीबी संक्रमण के खिलाफ आज किया गया निवारक उपचार आपके भविष्य को टीबी मुक्त कर सकता है। ध्यान रखें, चिकित्सा में ही चतुराई।